हमारे पास अब चैप्टर नंबर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सबसे पहले तो इसकी कुछ समरी वगैरह है, चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा, चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको भी हम छोड़ रहे हैं। तो हम यहाँ से कह रहे हैं क्रिएटिविटी इज़ अ प्री रिक्वेस्टेड टू इनोवेट। तो हमारे पास पहला जो टॉपिक था वो था क्रिएटिविटी एज अ प्री रिक्वेस्टेड टू इनोवेशन। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी लीड्स टू इनोवेशन, क्रिएटिविटी होगी तो इनोवेशन होगी। इसमें वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि क्रिएटिविटी इज़ अबिलिटी टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू एक्जिस्टेंस। ठीक है, क्रिएटिविटी होता है कि आप कुछ नया लेकर आते हैं मार्केट में, टू ब्रिंग समथिंग न्यू। ठीक है, कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाते हैं मार्केट में, उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर एक अगर आप लफ्ज़ देखो तो इसका मतलब है क्रिएटिविटी इज़ द अबिलिटी टू डू समथिंग न्यू। ठीक है, यहाँ पर वर्ड वो अबिलिटी यूज़ कर रहा है, एक्टिविटी नहीं यूज़ कर रहा है। एक्टिविटी का मतलब होता है करना, ठीक है, उसको हैंड जोन परफॉर्म करना, प्रैक्टिकली करना। ठीक है, तो क्रिएटिविटी क्या है, आप मार्केट में कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस में से जो है वो आप नहीं गुजरते, आप सिंपल उसको बस इंट्रोड्यूस करते, इसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी। मीन आप उसको, आपने जो इंट्रोड्यूस करवाया आप उसको रियलिटी में बनाने के लिए आप उसके ऊपर कोई काम नहीं करते, कोई प्रोसेस नहीं करते। इनोवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स। वो जो प्रोसेस आपने करना है ना, उसको इनोवेशन कहते हैं। मेन टू से कि क्रिएटिविटी में आप एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर हो गया। उस आइडिया को रियल में लाने के लिए आप उसके ऊपर जो प्रोसेस करते हैं उसे कहते हैं इनोवेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी हमारे पास बहुत से होते हैं कहते जी हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। मेरे पास सपोज मैं एक FYP कर रहा हूँ, मेरा FYP का नाम है टच पॉइंट। तो एक रेस्टोरेंट को सेंट्रलाइज करने का एक आइडिया है। तो ये जो मेरे जहन में एक ये जो कुछ भी आया, जो मैंने सोचा, ये सारी क्रिएटिविटी है मेरी। तो अब मैं जब इसको एंड्रॉयड ऐप के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और इसे जब मार्केट में लॉन्च करूँगा, तो तब मैं कहूँगा कि एक इनोवेशन है। ठीक है, तो वो एक पूरे प्रोसेस के ज़रिए जब मैंने उसका मटेरियलाइज़ किया, उसे मार्केट में लॉन्च किया, उसे हम कहते हैं इनोवेशन। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिएटिविटी वर्सेस इनोवेशन वाला। तो वो ये यहाँ पे जो है ये क्लियर हो चुका है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिव प्रोसेस। ठीक है, क्रिएटिव प्रोसेस वो कहता है कि जी हम लाइफ में अगर कोई काम हम ऐसा करते हैं ना कि उसके लिए हमारी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई मोटिवेशन नहीं होती, कोई इंस्पायरेशन नहीं होती, तो उस काम को करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए वो कहता है कि हमारे पास कहता है जो मोस्टली जो हमें कोई भी काम करना चाहिए उसके लिए कोई विजन एक हमारे पास जो है वो होना चाहिए। वो कहता है लाइफ में मोस्टली जो हमारे पास आइडियाज़ आते हैं हमारे जहन में, वो किसी न किसी क्रिएटिव प्रोसेस के ज़रिए आते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई हमारे पास आइडिया आया, मेरे जहन में कोई बड़ा आइडिया है, तो उसकी बैकएंड के ऊपर कोई क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो होता है। अब फॉर एग्जांपल कहता है जी सर इसहाक न्यूटन जो है, उनके सर के ऊपर जो एक सेब आकर गिरा था, ठीक है, उससे उन्होंने ग्रेविटी को जो है उन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, मीन जो उनके सर के ऊपर जो एप्पल ने हिट किया था, वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है और उससे उन्होंने जर्मिनेट किया एक आइडिया को। तो इस पूरे को हम क्रिएटिव प्रोसेस कहते हैं। इसके नॉर्मली मुख्तलिफ लोग इसको लेबल्स कहते हैं, लेकिन हम इसको 5 स्टेजेस देंगे। सबसे पहले स्टेज हमारे पास आइडिया जर्मिनेशन की है, यहाँ पर प्रेपरेशन, इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं क्रिएटिव प्रोसेस को। ठीक है, ये क्रिएटिव प्रोसेस, इसको अब यहाँ से ज़रा हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 5 स्टेजेस जो है वो बताई हैं, और हर जो एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल होता है ना, वो इन 5 स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट रिएक्ट या डिफरेंट जो है वो बिहेव करता है, मतलब वो गुजरता है इन्हीं स्टेजेस से। लेकिन हर एक का आइडिया डिफरेंट होता है, हर एक का प्लान डिफरेंट होता है, तो अपने अपने प्लान के अकॉर्डिंगली जो है वो इनसे गुजरता है। तो सबसे पहले आपके पास हमारे पास आता है आइडिया जर्मिनेशन। ठीक है, आइडिया जर्मिनेशन जो है इसको हम एक सीडिंग प्रोसेस भी कहते हैं। सीडिंग ऐसे ही कहते हैं, सीडिंग
आइडिया जर्मिनेशन, आइडिया जर्मिनेशन जो है इसको हम एक सीडिंग प्रोसेस भी कहते हैं। और सीडिंग ऐसे नहीं जैसे कि एक फार्मर जो है वो इंटेंशनली कुछ उगाता है और उगता है। सीडिंग मतलब वाइल्ड सीडिंग, जो कि खुद ब खुद जो चीज़ें जो है वो पैदा होती हैं। तो वो कहता है कि आपके जहन में आइडिया आना जो है ये एक नेचुरल एलिमेंट है, मतलब खुद ब खुद आपके जहन में आपके जहन में कोई आइडिया आता है, कोई आइडिया आपके माइंड को जो है वो स्पार्क करता है और आप उससे जो है एक आइडिया जो है वो कर लेते हैं। तो इसमें आइडिया जर्मिनेशन है, ठीक है। तो लेकिन इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, वो कहता है जो आइडिया जर्मिनेशन है ना ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट पर, आपकी क्यूरोसिटी के ऊपर किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या एरिया ऑफ स्टडी के लिए। मतलब आपके जहन में जो आइडिया जर्मिनेशन है, डेफिनेटली आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें मज़ीद ग्रूमिंग करने के लिए, बेहतरी के लिए आप कोई आइडिया सोच सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है डेली लाइफ में, कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके कोई प्रॉब्लम आपने ऑब्जर्व किया, आप उसे ऑटोमेट करने के लिए आपके जहन में कोई आइडिया आ सकता है। तो ये इंडिविजुअल्स जो है ना उन पर डिपेंड करता है, उनके एरिया ऑफ स्टडी के ऊपर, उनके इंटरेस्ट के ऊपर, उनके जहन में किस तरह का आइडिया है। जैसे कि यहाँ पर ग्राहम बेल की एग्जांपल दी हुई है कि वो जो है ना वो स्टार्ट से उसे ना हेयरिंग का प्रॉब्लम था, तो ह्यूमन हेयरिंग सिस्टम के अंदर उसको बड़ा इंटरेस्ट था, उसको अपनी मदर से ही थे। वो स्टार्ट में स्कूल में वो डीफ जो है उनके साथ वो स्कूल में जो है वो पढ़ता रहा, मतलब उसको हेयरिंग में ना काफ़ी इशू था। तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है उसने ज़्यादातर जो उसकी सर्च थी वो हेयर यही फिज़िक्स जो है ना ऑडियो और वेव्स वगैरह की जो फिज़िक्स है इसके ऊपर उसने सारी ज़िंदगी सर्च किया, वर्क किया। तो एट अ टाइम वो अपनी लेबोरेटरी में ही कुछ काम कर रहा था हेयर एड बनाने के लिए। तो वहाँ पर वो एक कोई मैग्नेटिक वो उसने बनाई कॉइल वगैरह, तो उसके एक साइड पर ना कोई आयरन थी, तो उसका लैब असिस्टेंट से गलती से उसके ऊपर हिट हो गया, तो उसको ना वो जो है वो शोर उसको वहाँ पर सुनाई दिया। तो तब उसके दिन में आइडिया आया इस तरह वेव जो है ट्रैवल कर सकती है। तो इस तरह मतलब को वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम उसके लिए थी, वो थी हेयरिंग एड, ठीक है। तो टेलीफोन से पहले उसने एक हेयरिंग एड वाला जो आइडिया है ना उसके जहन में, टेलीफोन का आइडिया भी यहीं से आया जब उसको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ट्रैवलिंग का जो है उसे पता चला। तो मेन वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम देख रहा था, तो उसमें से एक आइडिया जो है एक उसके माइंड में जो है वो क्लिक कर गया और उसके बाद उसने इसके ऊपर वर्क किया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके बाद ही हमारे पास हो गया आइडिया जर्मिनेशन, मतलब सीडिंग स्टेज है। सीडिंग स्टेज है कि आप कोई नया आइडिया आपके दिमाग के अंदर जन्म लेता है। फिर आती है प्रेपरेशन स्टेज, तो आते हैं ज़रा प्रेपरेशन स्टेज पे। तो इसके बाद हमारे पास अब आता है आइडिया प्रेपरेशन, ठीक है। प्रेपरेशन के अंदर हम बेसिकली देखें, हमारे जहन में एक आइडिया जर्मिनेशन हुई, आइडिया हमारे जहन में आया। जब आइडिया एक जहन में आता है तो उससे रेलेवेंट बहुत से क्वेश्चनर्स, बहुत सी क्यूरीज जो है वो आती हैं हमारे जहन में। तो उनको आंसर करने के लिए हम कुछ लिटरेचर जो है उसको रिव्यू करते हैं, ठीक है। कुछ लिटरेचर को हम रिव्यू करते हैं, यहाँ पर हम सर्च फॉर आंसर्स, ठीक है। हम अपना जो भी लिटरेचर, मेन ये है कि हमारे पास जब एक आइडिया जर्मिनेशन होती है उसके बाद हमारे जहन में कुछ रेलेवेंट, उससे रेलेवेंट कुछ रुक जा चुप तक आ जा कुछ रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चंस हमारे जहन में पैदा होते हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो हम इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च आउट करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, या तमाम जो उससे रिलेटेड हम उससे रिलेटेड जो हम होमवर्क करते हैं ना उसको हम कहते हैं प्रेपरेशन। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके जहन में कोई आइडिया आया, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसको रियलिस्टिक करने से पहले हम जो है कुछ होमवर्क करते हैं, जैसे कि भाई हमारे मुझे ये रिसोर्स चाहिए, ये चीज़, ये सारे हमारे जहन में क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए, किस किस चीज़ को ऑटोमेट करना है, किस चीज़ को कैसे करना है। तो ये टोटली हम एक जो होमवर्क करते हैं उसके बैक हम कहते हैं प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन जो है वो ज़रूरी है, आइडिया जर्मिनेट हो गया उसके बाद उसकी प्रेपरेशन
ہوگی تو تب ہم نیکسٹ اسٹیپس کے اوپر جو ہم جا سکتے ہیں. پھر بات ہوتا ہے انکوبیشن. انکوبیشن جیسے کہ سر نے کلاس میں بھی اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا, انکوبیشن کا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آئیڈیا جرمنیٹ ہو چکا ہے, آپ نے اس کے اوپر ریلیٹڈ جو ہوم ورک تھا وہ بھی آپ نے کر لیا ہے. اب یہ ہے کہ اس آئیڈیا کو لانچ کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے, ایک مارکیٹ بیس ہوتا ہے. ایک اسپیسیفک مارکیٹ بیس کے اوپر جب آپ اس اپنی اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانچ کریں گے تب وہ مارکیٹ کیپچر کرے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس اسپیسیفک ٹائم کو اگر آپ, کیونکہ جو مارکیٹ ٹائم جو ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے, اگر آپ اس ٹائم کے اندر اس آئیڈیا جو ہے اس کو انٹروڈیوس نہ کروائیں گے تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ اتنی مارکیٹ میں انٹر نہیں ہوگی. تو وہی وہ کہتا ہے کہ یہاں پر آئیڈیاز ٹائم ٹو گرو وداؤٹ انٹینشنل ایفرٹ. تو یہاں پر انکوبیشن کے اندر آپ بیسیکلی اپنے آئیڈیا کے لیے جو ہے وہ ایک ٹائم جو ہے, ٹائم سلاٹ اور ایک فیزیبلٹی جو ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس نیکسٹ فورتھ اسٹیپ جو ہے وہ ہے ایلیمینیشن کا. ایلیمینیشن کے اندر بیسیکلی ہم اپنے آئیڈیا جو ہمارے ذہن میں جو ہے وہ آیا ہے, ہم اس کی فیزیبلٹی دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے آئیڈیا جرمنیٹ ہوا, اس کے اوپر ہم نے ہوم ورک کیا, مطلب اس کی پریپریشن کی, اس کے بعد انکوبیشن کی, مطلب ہم نے سوچا کہ ہم فلاں ٹائم کے اندر اس کو جو ہے مارکیٹ میں لانچ کریں گے, مطلب اس کی ایک لانچنگ ٹائم جو ہے ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اس آئیڈیا کے اوپر فردر, یہ فی الحال صرف کریٹیویٹی پہ کام ہو رہا ہے, کریٹیو پروسیس ہے, ابھی اس کی انکوبیشن انوویشن کے اوپر ابھی ہم نہیں گئے. تو اس کے بعد ہم اس کی فیزیبلٹی چیک کرتے ہیں کہ واقعی جو ہمارے ذہن میں آئیڈیا ہے کیا یہ فیزیبل ٹو امپلیمنٹ ہے, یا فیزیبل ٹو اڈاپٹ ہے, اس کو اڈاپٹ کیا بھی جائے گا یا نہیں. تو یہاں پر اس کی ایکسیپٹیبلٹی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. اینڈ پر ہمارے پاس آتا ہے آئیڈیا کی ویریفیکیشن. یہ ہمارے پاس یہاں تک یہ ایلیمینیشن ہم نے ابھی دیکھا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس ہے ویریفیکیشن, یہ لاسٹ اسٹیپ ہے. تو آئیڈیا کی جو ویریفیکیشن ہے یہاں پر بھی بیسیکلی ہم اس کی ایکسیپٹنس ٹیسٹ کرتے ہیں. ایکسیپٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اپلیکیشن جو کہ یا جو بھی ہمارے پاس آئیڈیا ہے اس کو ہم کسی ماڈل کے ذریعے جو ہم پروو کرتے ہیں کہ یہ واقعی ویلیویبل ہے اور واقعی مطلب اس کی ایک امپورٹنس ہے. مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک ایفرٹ کر رہے ہیں اور ہماری ایفرٹ کل کو ضائع جائے, ہمیں اس سے کوئی گین نہ ہو. تو اس تمام چیز کو ہم اس میں ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کو ویلیڈیشن بھی بولتے ہیں. ویریفیکیشن جو اسٹیپ ہے اس کو ویلیڈیٹ, ویلیڈیٹ کرنا مطلب یہ پروو کرنا کہ واقعی یہ بہت فروٹفل رہے گا میرے لیے. تو اینڈ پر ہمارے پاس ویلیڈیشن ہے, ویریفیکیشن ہے. ویریفیکیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آئیڈیا جرمنیٹ ہوا, ہم نے اس کو پیپر ورک کیا وہ بھی ٹھیک رہا, ہم نے اس کا لانچنگ ٹائم بھی ڈیسائیڈ کر لیا, اوکے کرو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس کی فیزیبلٹی بھی دیکھ لی کہ واقعی یہ فیزیبل ٹو امپلیمنٹ ہے, ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اینڈ پر ویریفیکیشن میں ہم جو ہے پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی امپلیمنٹ بھی چلو میں نے کر لیا, تو کیا واقعی جتنی میں نے اس کی ویلیو سوچی ہے اتنی ایک ویلیو اس کی ہوگی. اس کے لیے نارملی سرویز کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل میرے ذہن میں فوڈری سے ریلیٹڈ ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا تھا, تو میں نے اس کو لانچ کرنے سے پہلے ہم نے ایک سروے کیا تھا, بہت سے ریسٹورنٹ کو وزٹ کیا, ان سے پوچھا تھا کہ یہ پرابلمس آپ کو فیس ہوتے ہیں, ان کا ہاں واقعی فیس ہوتے ہیں. تو یہاں پر بیسیکلی میں نے اپنے آئیڈیا کی ویریفیکیشن کی کہ واقعی ان کو یہ پرابلم فیس ہو رہے ہیں, تو میں اب اس کو انوویشن کی طرف جو ہے وہ میں اس اپنے ایک آئیڈیا کو لے جاؤں گا, کیونکہ میرا جو کریٹو پروسیس ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے انوویشن اینڈ آنٹرپرنورشپ. ہمارے پاس اب نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے انوویشن اینڈ آنٹرپرنورشپ کا. وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ کریٹیویٹی جو ہے, ڈیفینیٹلی ہم کہتے ہیں کہ کریٹیویٹی آنٹرپرنورشپ کو انسپائر کرتی ہے. ٹھیک ہے, آنٹرپرنورشپ از انسپائرڈ بائی کریٹیویٹی, بٹ انوویشن از دا پروسیس آف آنٹرپرنورشپ. کہتا ہے جو آپ کے پاس آنٹرپرنورشپ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک نیا آئیڈیا, آپ ایک نیا آئیڈیا کو مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو مارکیٹ میں آ کے کیش کراتے ہیں, وہ آپ کی آنٹرپرنورشپ ہے. کہتا ہے ڈیفینیٹلی آنٹرپرنورشپ کی بیک اینڈ کے اوپر تو کریٹیویٹی ہے, لیکن وہ تمام پروسیس کے ذریعے آپ اس آئیڈیا کو آپ مارکیٹ میں لائے ہیں اور آپ نے اس کو مارکیٹ میں ان کیا ہے, ٹھیک ہے, اس تمام کو ہم کہتے ہیں انوویشن. جیسے کہ وہ اگر ہم نیلز والی سٹوری دیکھیں تو اس طرح اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا تھا کہ میں ونٹر کے اندر جو ہے میں یہاں پر کوئی کام کروں, ٹھیک ہے, ونٹر کے اندر جو ہے وہ کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا, تو
विंटर के अंदर उसने को काम करने के लिए उसने सबसे पहले वो आर्टिस्ट के पास वो टोक्यो गया, वहाँ पर एक होटल के अंदर वो आर्टिस्ट को मिला। तो वहाँ पे उसके जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपना वापस जुकैस जैवरी जो वहाँ पर ट्रॉन रिवर था उसके ऊपर जाकर मैं एक आइस आर्ट्स का डिस्प्ले वहाँ पर रखूँ। ये उसके जहन में आइडिया आया, ठीक है। लेकिन जब वो उसने एक्चुअली वहाँ पर वर्कशॉप और सेमिनार कंडक्ट कराया तो ये बेसिकली इनोवेशन थी जिसने जो कि उसकी एंटरप्रेन्योरशिप की थी। तो ये बात वो कहता है, इनोवेशन इज मीन्स बाय विच द एंटरप्रेन्योर इधर क्रिएट्स न्यू वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज। कहता है इनोवेशन हम कहते हैं कि जब कोई एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एक नई वेल्थ, एक नई जो मार्केट या एक नया मार्केट बेस जो है वो बनाता है, ठीक है। तो अगर अभी हम जैसे कि हम प्रोसेस देख के आए हैं उसका क्रिएटिव प्रोसेस, उसके अंदर ना दो प्रोसेस थे, एक था इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन उसका लास्ट प्रोसेस है। कहता जब तक आप इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं ना, उस वक्त तक आप एक इन्वेंटर तो बन सकते हैं, आप इनोवेटर नहीं बन सकते। इन्वेंटर और इनोवेटर में फ़र्क ये है, यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये इन्वेंटर की है और ये इनोवेटर की है, ठीक है। कहते जो इन्वेंटर है, ठीक है, वो द इन्वेंशन के अंदर क्या करता है, द क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू, ठीक है। इन्वेंशन के अंदर वो किसी चीज़ की क्रिएशन करता है और रिजल्ट जो है वो आपके पास एक नॉलेज होता है। जबकि इनोवेशन के अंदर क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है एक आइडिया को एप्लीकेशन में, एंड प्रोडक्ट में। एक आइडिया है उसकी वो एंड प्रोडक्ट बनाता है और उसके लिए जितने उसको रिसोर्सेज चाहिए होती हैं उनको वो यूज़ करता है, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो सिर्फ नॉलेज नहीं होता, सिर्फ हवा हवाई बात नहीं होती, आपके पास एक एंड प्रोडक्ट होती है जिसको आप उसके बाद मार्केट करते हैं। तो ये इनोवेशन और इस दोनों में जो है वो एक जो है डिफरेंस है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले क्रिएटिव जो है क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो उसके हमने स्टेजेस देखे, तो यहाँ पर ये जो स्टेजेस हैं ये इनोवेशन के स्टेजेस है। कहता सबसे पहले आपके पास एनालिटिकल प्लानिंग होती है, ठीक है। एनालिटिकल प्लानिंग के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आप आइडेंटिफाई करते हो उसका डिज़ाइन, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है आप उसका डिज़ाइन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसकी मार्केट स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल नीड, मतलब जो जो आपको फाइनेंस चाहिए, ये सब आप इसके अंदर जो है आप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। मतलब एनालिटिकल लेवल के ऊपर आप देखते हैं कि मेरी ये जो प्रोडक्ट है ये मैं किस तरह की बनाऊंगा, इसके लिए कौन सी मार्केट होगी, कौन कौन से मुझे कितना मुझे फाइनेंस चाहिए। फिर आप ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज करते हैं, मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं आप उनको इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि आपके वो जो प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं और आपके मिनिमम रिसोर्सेज लगे। इम्प्लीमेंटेशन में आप बेसिकली अपने प्रोडक्ट की इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और एंड पर आपके पास एक कमर्शियल एंड एप्लीकेशन होती है जिसको आप इन मार्केट में लॉन्च करते हैं। और इसको लॉन्च करने के लिए जो टाइम होता है वो आपने अपने इनक्यूबेशन वाली स्टेज के अंदर इसका टाइम जो है डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक पूरा स्टेजेस है इनोवेशन की। तो इन्वेंशन और इनोवेशन में एक हमें जो एक क्लियर डिफरेंस जो है वो करने के लिए एक और हमने एक चीज़ सुनी हुई है, पेटेंट्स के। हमने इस चीज़ के पेटेंट्स परचेज किए। पेटेंट्स होते हैं कि आपको इस चीज़ के बनाने के राइट्स आपके पास होते हैं, ठीक है। तो जो इन्वेंटर्स होते हैं ना उनके पास पेटेंट्स होते हैं। पेटेंट्स का मतलब उनके पास राइट्स होते हैं उस चीज़ को बनाने के, अभी तक उन्होंने उस चीज़ को बनाया नहीं होता। जब वो चीज़ बन जाती है फिर वो कॉपीराइट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, अभी आपने उसको एंड प्रोडक्ट नहीं बनाई, तो आपके पास बेसिकली उसके पेटेंट्स हैं। जब आपने उसके एंड प्रोडक्ट बना लिए तो फिर आपके पास उसके कॉपीराइट्स हैं। तो इन्वेंशन जो होता है ना, जो इन्वेंटर होता है उसके पास पेटेंट्स होते हैं, जो इनोवेटर होता है उसके पास कॉपीराइट्स होते हैं। तो यही बात जो है वो इस मेन चीज़ से ना हम इस पूरी चीज़ को जो है वो हम समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है।
उससे नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग लेफ्ट ब्रेन स्किल्स टू हार्वेस्ट राइट ब्रेन आइडियाज़, कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है हमारे पास। जो बेसिकली हमारे ब्रेन जो है मेजर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। तो हमारे पास जो राइट ब्रेन होता है ना, इसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, और जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना, ये बेसिकली जो स्ट्रेटजिक और जो लॉजिस्टिक प्लानिंग वगैरह ये सारी जो है ना, ये लेफ्ट ब्रेन करता है। तो कहता है आपके राइट ब्रेन में आइडियाज़ जब आया है तो आप अपना लेफ्ट ब्रेन को यूज़ करो और उस आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन में ले आओ। इम्प्लीमेंटेशन में वो आएगा मतलब राइट ब्रेन सिर्फ क्रिएटिविटी करता है। अब उस क्रिएटिविटी को इनोवेशन में ले आने के लिए आपने लेफ्ट ब्रेन को यूज़ करना है, और जब उसे एज द इनोवेशन में ले आएंगे तो दैट्स यील्ड्स टू अल्टीमेट एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसके बाद आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर जो है वो कहते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ठीक है, वो कहता है जो हमारे पास एक जनरल हमने अगर अपने ब्रेन का कॉन्सेप्ट लिया, हमारे पास लेफ्ट ब्रेन है राइट ब्रेन है, ठीक है, जिसमें से राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिव है, ठीक है, और लेफ्ट ब्रेन जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करता है। इन दोनों में डिफरेंस है, तो इस चीज़ को हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में भी ले सकते हैं। मीन हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे पास एक बंदा जो है वो इनोवेटिव है लेकिन वो एक बंदा जो है क्रिएटिव है लेकिन वो इनोवेटिव नहीं है। पॉसिबल है, मतलब एक बंदे के पास आइडिया है लेकिन इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उसको जो है वो मटेरियलाइज कर सके, उसको बना सके। तो उसको मटेरियलाइज करने के लिए मे भी एक डिफरेंट बंदा भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास है जिस तरह राइट ब्रेन और काम करता है, लेफ्ट ब्रेन और काम करता है। राइट ब्रेन आइडिया लेता है और क्रिएटिव करता है, लेफ्ट ब्रेन का काम है कि उस क्रिएटिविटी को वो पाए तक मिल तक पहुंचाए। तो यही चीज़ जो है ना, ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की भी एक एग्जांपल है। तो वो कहता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर ना नॉर्मली जो ये देखा जाता है कि इसके अंदर तीन लोग इम्पोर्टेंट होते हैं और तकरीबन 7 कंडीशंस जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये जो तीन लोग और ये जो 7 कंडीशंस जो है ना, ये मिलकर क्रिएटिविटी और इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको ये बनाते हैं। मेन कहने का मकसद ये है कि जिस तरह उसने एग्जांपल दी राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की, दोनों अलग अलग काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वो एक चीज़ बना लेते हैं। इस तरह वो कहता है कि टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इनोवेशन है, इसके अंदर भी उनके तीन बंदे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और 7 कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। जब ये 7 कंडीशन और 3 बंदे एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो ये कुछ ना कुछ इनोवेट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ये क्रिएटिविटी से इनोवेशन तक जो है ये पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर वो तीन बंदे कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास होता है क्रिएटिव सोर्स। क्रिएटिव सोर्स बेसिकली वो बंदा है जिसके जहन में कोई ना कोई आइडिया है, जिसका कोई विजन है, जिसके जहन में कोई आइडिया है, वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्रिएटिव, वो सिर्फ थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, उसके पास सिर्फ पेटेंट्स है, उसके पास मतलब कि वो सिर्फ उस चीज़ को सोच रहा है। उसके बाद आपके पास आता है चैम्पियन। चैम्पियन बेसिकली वो एंटरप्रेन्योर है जो कि उस क्रिएटिव जो उसने सोचा, जिसके जिसमें आइडिया आया, उसको वो उसको पर वो प्रोसेस करता है और उसको वो कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके ऊपर वो प्लानिंग करता है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, मार्केट के अंदर एंटर होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब एक आइडिया को फुली तौर पर इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, उसको प्लान करना, उसको मार्केट करना, ये सब कुछ कौन करता है? चैम्पियन। और ये चैम्पियन बेसिकली आपका एंटरप्रेन्योर होता है, ये एक आइडिया को इनोवेट करता है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है स्पॉन्सर। एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो क्रिएटिव सोर्स होता है ना, ये एक सिंगल पर्सन होता है, सिंगल पर्सनल होता है, ये नहीं कि इसके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ सकती। चैम्पियन जो है ये भी नॉर्मली एक सिंगल पर्सनल होता है, एक ही बंदा वाहिद होता है। और समटाइम ये भी हो सकता है कि जो बंदा क्रिएटिव सोर्स है वही चैम्पियन भी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी हो सकता है, या कुछ लोग जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, तो मतलब जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स होते हैं, पॉसिबल होता है कि उसी के जहन में आइडिया आए और उसी और वो ही उस आइडिया के ऊपर काम कर रहा हो। तो चैम्पियन जो है वो खुद जो है वो क्रिएटिव सोर्स भी हो सकता है, लेकिन क्रिएटिव सोर्स जो है वो अकेला ही बंदा है।
ठीक है। तीसरी चीज़ आपके पास स्पॉन्सर, स्पॉन्सर जो है बेसिकली वो बंदा है जो चैंपियन को सपोर्ट करता है, सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, ताकि वो अपना जो काम उसने जो सोचा है उसको वो कंप्लीट कर सके। उसके बाद वो कहता है कि ये तो तीन बंदे थे, उसके अलावा कहता है सेवन कंडीशंस जो है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की सक्सेस में। और ये जो सेवन कंडीशंस है ना ये पार्शली डिपेंड कर रही होती हैं इन तीन बंदों पर, और पार्शली इनकी जो सक्सेस है वो डिपेंड कर रही होती है आपके इन्वायरमेंट पर, मतलब जिस इन्वायरमेंट के अंदर कोई इनोवेशन आप कर रहे हैं ना, कोई चीज़ बना रहे हैं उसके इन्वायरमेंट के ऊपर जो है ये डिपेंड करती है। अब ये सेवन कंडीशंस क्या हैं, सबसे पहले कहता है कि आपके पास एक आउटस्टैंडिंग पर्सन हो एग्जेक्टिव लेवल के लीडरशिप पे, मतलब टॉप के ऊपर जो आपके लीडरशिप के ऊपर जो बंदा है वो इस तरह का हो कि वो आपकी क्रिएटिविटी जो है उसकी आपको परमिशन दे, आपको आउट ऑफ द बॉक्स काम करने दे, मतलब आपको ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करे, आपको वो फ्री हैंड दे दे के आप काम करो। उसके ऊपर कहता है कि आपके पास एक ऑपरेशनल लीडर हो, एक बंदा जो है आपके पास ऐसा हो जो आपको ऑपरेशनल लेवल पे, मतलब आपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको उसमें टेक्निकली जो सपोर्ट चाहिए वो आपको उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करें। फिर वो कहता है कि आपके पास आप जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो ठीक है, आपको उसके सफिशेंट पोटेंशियल कंज्यूमर्स, मतलब अभी तक आपने एप्लीकेशन का आइडिया आपके पास आ गया ठीक है, क्रिएटिव जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, क्रिएटिव प्रोसेस में ही जैसे हम उसकी फिजिबिलिटी वगैरह देख रहे थे ना इल्यूमिनेशन में, हमने वहीं पर टैकल कर लेने के ये हमारे कंज्यूमर्स होंगे, तो आपने इसको इनोवेशन, मतलब आपने उस चीज़ को बनाने उसको कंप्लीट करने से पहले आपने उसके जो कस्टमर्स हैं ना उनको भी आपने कॉन्फिडेंस में ले लेना कि भाई मैं ये चीज़ बना रहा हूँ ना तुम इसे यूज़ करोगे ना, मतलब ये ना हो कि आपने साथ साथ ये काम मार्केटिंग वाला काम भी करते रहना ताकि कल को जब चीज़ बने तो वो डायरेक्ट मार्केट में जो है वो जाके हिट हो जाए। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास आपको इस चीज़ का भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ बना रहे हो उसका आपकी सोसाइटी में क्या वैल्यू होगी, मतलब वो आपकी सोसाइटी में या मार्केट में कितनी एक वैल्यू रखेगी, कितनी एक वो मार्केट गेन करेगी, सोसाइटी में वो सोसाइटी मतलब डेली रोज़मर्रा या अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कितना एक उस चीज़ को चेंज करेगी, मतलब लोग कितना एक इसको इम्पोर्टेंस देंगे। उसके बाद वो कहता है कि आपके जो भी टीम है जो आपस में काम भी कर रही है उनके दरमियान एक गुड कोऑपरेशन वो भी बहुत जो है अच्छा इम्पैक्ट डालती है। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज जिस टाइम चाहिए वो अवेलेबल हों, तो और तीसरी चीज़ आपके पास है कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज, आपको अपने ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए सम टाइम हमें कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज, हमें गवर्नमेंट से कुछ चाहिए होती हैं, कुछ चीज़ें हम आउटसोर्सिंग कर देते हैं, तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो है ना उनके अवेलेबिलिटी जो है ये भी बड़ा अफेक्ट करती है। तो ओवरऑल ये सेवन फैक्टर्स और थ्री पर्सनल ये मिल के आपकी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसकी कामयाबी के ऊपर एक बड़ा असर रखते हैं। तो ये मैंने यहाँ से ये चीज़ सारी डिस्क्राइब की है, और नीचे अगर आप आएँ तो ये सेवन पॉइंट्स हैं जो मैंने हमने अभी जो है जिनके बारे में हमने स्टडी की है। तो ये सारी जो इन्होंने इसने यहाँ पर एक जीरोक्स मशीन है उसकी एक एग्जांपल जो है वो कोट की हुई है, इसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थ्रू चेंज, हमारे पास अब जो इस वक्त नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटीज थ्रू चेंज ठीक है। तो जो हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, यहाँ पर लिखा है एंटरप्रेन्योर्स टेंड टू स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हु रिकॉग्नाइज चेंजेस एंड सी अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर्स डू नॉट। कहता है आपके पास जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो स्ट्रेटेजिक थिंकर होते हैं ठीक है। जब भी कोई कहीं ना कहीं कोई चेंज आए वो उस चेंज को जो है वो बहुत जल्दी नोट करते हैं ठीक है। उस क्योंकि देखो जब भी कहीं कोई चेंज आनी है तो उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ठीक है। तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो बहुत जल्दी उस अपॉर्चुनिटी को नोट करते हैं ठीक है, और वहाँ पर रिएक्ट करते हैं। मतलब जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर में एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में पढ़े हैं कि ये वो लोग होते हैं जो कि चेंजेस को रिएक्ट करते हैं, जो कि इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं ठीक है, जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं और ये डिफरेंट इकोनॉमिक चेंजेस पर रिएक्ट करते हैं ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है जब कोई कहीं भी किसी किस्म की कोई चेंज आएगी
ठीक है, क्योंकि हमेशा थिंग्स हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। जैसे भी कुछ ट्रेंड्स चेंज होते हैं, जैसे कि हम अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रेंड्स चेंज होते हैं उसके बेस के ऊपर कुछ चेंजेस जो हैं वो लाजमी आती हैं। तो जब भी कुछ चेंजेस आती हैं तो ये लोग उन चेंजेस को बहुत जल्दी पिक करते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और अपना मार्केट बेस बनाते हैं। और ये वही बात है बिजनेस इनक्यूबेशन, मतलब आपको राइट टाइम को जब आप मार्केट में एंटर होगे तो आप मार्केट जो है वो कैप्चर करेंगे। इसके अब डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले मैं इनको ना मैंने डिटेल में पढ़ा, लेकिन हर एक के अंदर बहुत सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उन्होंने किया हुआ है। तो मेन में जो इनमें बात में है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपके पास है साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज जो है यहाँ पर इसने बेसिकली IBM के एग्जांपल कोड किया। IBM जो है जो स्टार्ट जब उसने IBM ने स्टार्ट किया, उसने बड़ी बड़ी मशीन्स जो है उसने बनाने जो है उसने स्टार्ट किए, ठीक है। जब उसने बड़ी बड़ी मशीन्स और इस तरह के साथ अपना बिजनेस उसने स्टार्ट किया तो नॉर्मली उन डेज़ के अंदर, क्योंकि तब कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा रेयर थे और हर बंदा की अप्रोच में नहीं थे और बहुत बहुत बिजनेस एंटरप्राइजेज जो है कंप्यूटर्स को यूज़ कर रही थी, तो ऐट दैट टाइम IBM जो है उसने बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर की। क्योंकि उस टाइम मार्केट जो है साइंटिफिक नॉलेज में यही है कि उस टाइम मार्केट जो है वो चाह के रही थी कि उनको एक एंटरप्राइज लेवल की ऑटोमेशन चाहिए थी, तो वहाँ पर IBM जो है डेफिनेटली जो है वो अपना पेस दिखा गया। लेकिन बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता ये कंज्यूमर एप्लीकेशन आई, कंप्यूटर हर बंदे ने यूज़ करना किया, तो तब इतनी बड़ी जो कंप्यूटर जो है ना लोगों के लिए वो चीज़ सही नहीं थी। तो तब नॉर्मली क्योंकि इनको फिर नॉर्मली होना ये चाहिए था कि ये छोटी छोटी चिप्स बनाते, छोटे छोटे कंप्यूटर्स बनाते, लेकिन IBM जो है उस चीज़ का जो साइंटिफिकली उसने उस चीज़ को नहीं उसने कैप्चर किया, वो उस चीज़ की तरफ नहीं गया। तो इसकी वजह से IBM जो है वो आज इतना ज़्यादा एंटर नहीं है। और आज एंटर कौन है, ज़्यादा इंटेल एंटर है और ये एप्पल वगैरह और ये एंटर है, क्योंकि इन्होंने जो उन दिनों में इन्होंने ये चीज़ देख ली थी कि अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास छोटी छोटी चिप्स हैं, तो इन्होंने इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। सेम लाइक जैसे आपको नोकिया के एग्जांपल देता हूँ कि नोकिया एक बहुत अच्छी ब्रांड थी, लेकिन नोकिया बहुत जल्दी स्विच नहीं कर सका, उसने एंड्रॉयड के ऊपर या स्मार्टफोन के ऊपर स्विच नहीं किया, तो आज मार्केट से ऑब्सोलीट हो चुका है। इसी तरह एकोनिक कैमरा था पहले, जो एक रील वाले कैमरे होते थे ये, ठीक है, ये कोनिक कैमरा था, तो इस तरह इसने भी अपने आप को डिजिटाइज नहीं किया, तो आज मार्केट में इसका नामो निशान नहीं है। तो सेम यही चीज़ है कि सेल्फ नॉलेज के अंदर जो है वो इस चीज़ को देखता है। उसके बाद कहता है एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यही इसकी एग्जांपल है। ये सारी यहाँ पर इसने इसका ना स्टैटिस्टिक के देखो IBM वगैरह के जो मैंने आपको बताया, और यहाँ पर ये एवोल्यूशन का इन्होंने बताया कि पहले कंप्यूटर इस तरह होते थे, अब इस तरह के आए हैं, तो वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास होती है प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन के अंदर आप चीज़ वही बनाते हैं जो कि ऑलरेडी बन रही है, लेकिन बस आप उसका क्या थोड़ा सा आप उसका प्रोसेस जो है उसको थोड़ा इनोवेट कर देते हैं, ठीक है। मतलब देखो जब एक चीज़ एक फॉर एग्जांपल किसी भी रेसिपी को बनाने का एक प्रोसेस है, अब जब थोड़ा सा उसका प्रोसेस को कुछ ऐसा इनोवेट करो कि उसका टेस्ट चेंज हो जाए, तो फिर पुराने टेस्ट वाले की तरफ से कोई जाएगा नहीं, नए टेस्ट को हर कोई जो है वो आके अडॉप्ट करेगा। यही चीज़ है प्रोसेस इनोवेशन में कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई आपके पास उसकी प्रोडक्शन लाइन है, आप उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस कर देते हैं। आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप उसमें से आप कुछ खामियां देखते हैं, आप उसमें चेंजिंग कर देते हैं, तो वो चेंजिंग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देती है। इसमें भी एक एग्जांपल है, वो कहता है कि जैसे स्टार्ट के ऊपर जब कंप्यूटर्स एक एंटरप्राइज लेवल पे थे, तब एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं था, ज़्यादातर वो कमांड वगैरह जो है वो यूज़ करते होते थे, और उन दिनों में क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना कॉन्सेप्ट नहीं था स्टोरेज वगैरह के लिए, और इन चीज़ों कंप्यूटर यूज़ जो है वो होते थे। तो हुआ क्या कि बाद में जो है वो एक स्टार्टअप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आए, ठीक है, जिसमें कमांड बेस्ड इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, ठीक है, लेकिन उनका जो प्रोसेस था ना, मतलब आपने कोई मूवी चलानी है तो आप उसकी कमांड लिख रहे हो, जैसे सी में फलां जगह पर जाओ, वो पूरी कमांड लिखनी पड़ती है, ठीक है। अब आप उस प्रोसेस को देखो, वो बड़ा हैक्टिक प्रोसेस है, ठीक है। उस टाइम कुछ इन एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने चीज़ पीक किया कि क्यों ना
ठीक है, हम मैं इसको थोड़ा सा इजी कर दूँ कि बंदे को आप माउस और माउस से क्लिक करो जाके वो चीज़ चल जाए। तो उस टाइम उसके बाद ये देखिए एमएस डॉस की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उसमें आपको कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। तो उस टाइम उन्होंने एक आइडिया की क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट ने और एप्पल ने, और इन्होंने आज हमारे पास ये जो विंडोज़ है जहाँ पर हम एक माउस क्लिक ऊपर सारा काम कर रहे हैं। पहले ये पॉसिबल नहीं था, आपको इवन एक डॉक्यूमेंट खोलनी पड़ती थी, आपको 30-35 लाइन्स की कमांड लिखनी पड़ती थी जो हमने एमएस डॉस में अगर जो है वो हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समटाइम हम खुद देखते हैं, हमें पार्टीशन क्रिएट करनी हो ना, जब वो स्टार्ट में अभी विंडो नहीं हुई होती, वहाँ पार्टीशन करनी हो, तो हम डॉस के अंदर इसकी कमांडें कर रहे होते हैं, बड़ा हैक्टिक काम है और के गूगल कर रहा होता है। तो स्टार्ट कर रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, स्टार्टअप ऑपरेटिंग सिस्टम या एमएस डॉस था, जो काम करते करते थे कमांडिंग से करते थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो तब उन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस था ना, सॉफ्टवेयर प्रोसेस था, इसको एंटरप्रेन्योर्स ने यहाँ से देखा कि यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज लेके आए और आज हमारे पास ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम किसी भी बंदे से पूछे उसको एमएस डॉस का पता भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने एक मार्केट कैप्चर की। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है इंडस्ट्रियल चेंज। आपका इंडस्ट्रियल के ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं इंडस्ट्री के, तो आपने उनके लिहाज से भी जो है वो आप अपनी मार्केट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आगे कुछ दिनों में जितनी भी अप्लाइंसेज हैं वो सोलर डिवाइसेस के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आप अपने आप को अपनी जो आप जो एक नया एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं आप उसे सोलर सेल्स के लिए करें। उसके अलावा जिस तरह फ्यूल है, तो बहुत जल्द ये जो ऑयल वगैरह है इसको रिप्लेस हो जाएगा या फॉसिल फ्यूल या बायोफ्यूल्स वगैरह से, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। उसी तरह आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो मतलब हम हर चीज़ को इंटरनेट से असाइन कर रहे हैं, जिसमें स्मार्ट होम्स हैं करके हर चीज़ जो है उसको आप एक मोबाइल के जरिए कर सकते हैं। मतलब ये आपकी इंडस्ट्री ओवरऑल चेंज, ट्रेंड चेंज हो रहा है, हर चीज़ को आप स्मार्टनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम इसके ऊपर जो है वो अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि जो इंडस्ट्री चेंज होती है ना, ये समटाइम नेचुरल इवेंट, कुछ इवेंट्स हैं उनकी वजह से भी होता है। जैसे कि ऑयल की एग्जांपल देखो, ऑयल ख़त्म हो रहा है, वो नेचुरल चीज़ है, जब वो ख़त्म हो रहा है वो आपको इतना अवेलेबल नहीं, अवेलेबल होगा तो कॉस्टली होगा, तो फिर आप फॉसिल्स या बायोफ्यूल्स की तरफ जो है वो आप जाते हैं, ठीक है। उसी तरह एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप सोलर की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि कुछ ह्यूमन इवेंट्स हैं उनकी वजह से भी ये इंडस्ट्री चेंज होती है। जैसे कि आजकल एक चीज़ है कि जो बेस्ट जो एयरलाइंस हैं, ठीक है, वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल रैंक्स जो हैं उनको मीट कर रही हैं, ठीक है। मतलब ये कि अब लोग जो हैं वो प्रेसिडेंशियल एयरलाइन या न्यूयॉर्क एयरलाइन इस तरह के जो एमिरेट्स वगैरह उनको प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फ्लाइट सिस्टम के अंदर इनोवेशन दी है, ठीक है। आपको टिकटिंग हो गया, आपका लगेज हो गया, जो कुछ है उनका इंतहाई ऑटोमेटेड है, बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, और ये चीज़ हमारी PIA और बाकियों में नहीं है। इसलिए लोग जो बेहतर, अगर किसी ने ट्रैवल करना है और वो उसके लिए पे भी कर सकता है, तो वो फिर PIA या अपनी लोकल किसी की बजाय वो इन अच्छी एयरलाइंस के ऊपर जाता है। तो इस तरह इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को चेंज किया, ठीक है। इन्होंने अपने कुछ जो है ना, अपने टिकटिंग वगैरह या जितने प्रोसेस थे उनको इन्होंने उनमें चेंज लाए, ठीक है, और इन्होंने ओवरऑल अपनी पूरी इंडस्ट्री को चेंज किया। और ये काम किसने किया? ये बेसिकली इन ऑर्गेनाइजेशन, इन एयरलाइंस के अंदर जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स थे, जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने इनके अंदर उन्होंने नोट किया कि यहाँ यहाँ पे चेंजेस आ सकती हैं, वो चेंजेस कर रहे, और आज ये एयरलाइंस हिट हो गई हैं दुनिया पे। उसके बाद आपके पास होता है मार्केट चेंज, ठीक है। मार्केट आपकी ये तकरीबन क्लोज्ड कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। आपकी मार्केट के अंदर अचानक ही किसी चीज़ का ट्रेंड आ जाता है, ठीक है, मार्केट आपकी चेंज हो जाती है। जैसे कि पहले टैक्सी थी, अब जब उबर और क्रीम आई है तो ओवरऑल वो मार्केट ही चेंज हो चुकी है, ठीक है। आज इवन लोग चिंची नहीं करते, वो उबर और क्रीम जो है उसे ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक टोटल ओवरऑल आपकी पूरी मार्केट के ट्रेंड का होता है कि आपकी पूरी मार्केट चेंज हो रही है, ठीक है। इसमें एक मोस्टली सर ना कोट करते होते हैं क्लास में, क्लासेस के जैसे क्लास में एक एग्जांपल के जैसे, स्टार्ट में जब एक दौर था कि PTV के ऊपर जो है वो न्यूज़ पढ़ी जाती थी, तो वहाँ पर बरल ये एग्जांपल इससे इतनी रेलेवेंट नहीं है, उसको छोड़े। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि इस तरह स्टार्ट के अंदर ना एक कंपनी थी, वो स्टार्ट स्टार्ट के ऊपर जब ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ आई तो वो सिर्फ लग्जरी पर्पज़ के लिए थी। तो एक साहिब थे हेनरी फोर्ड,
ठीक है, उन लोगों के जहन में फर्स्ट टाइम ये आइडिया है क्योंकि ना एक गाड़ी ऐसी बनाई जाए, उसने देखा कि आम आवाम भी बहुत ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसने कहा एक गाड़ी ऐसी बनाई जाए जो आम लोगों की अप्रोच में हो। तो तब उसने जो है वो एक पहली ऑटोमोबाइल डिज़ाइन की, और उसके बाद उसका ये जो उसका आइडिया था वो इतना हिट हुआ कि अब लग्जरी गाड़ियाँ जो है कंपैरेटिवली कम बनती हैं और आम जो लोग यूज़ करते हैं वो गाड़ियाँ ज़्यादा बनती हैं। जिस तरह अब सेम यही एग्जांपल हम इंडिया में टाटा कंपनी की लें तो उन्होंने वो बाकी भी गाड़ियाँ बनाती हैं, लास्ट डेज में उन्होंने एक टाटा नैनो के नाम से गाड़ी इंट्रोड्यूस करी जिसकी प्राइस पाकिस्तानी 1,20,000 थी, और इस वक्त दुनिया की बिगेस्ट ऑटोमोबाइल की सेल जो है वो टाटा नैनो की है। तो ये बेसिकली आप ओवरऑल अपनी मार्केट को देखते हैं कि आपकी मार्केट क्या चाह रही है, आप उसके लिहाज से जो है वो चेंज लाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास आता है डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक के मतलब का आपको पता है, ये हमारे पास जो नेशनल लेवल पर एक ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। जैसे डेमोग्राफिक में वो कहता है हमारे पास डेमोग्राफिक के अंदर क्या क्या आता है, आपकी पॉपुलेशन का ट्रेंड आता है, एज, ठीक है, उसके अलावा एथिक करैक्टरिस्टिक और एजुकेशनल स्टेटस और इनकम पॉपुलेशन वगैरह, मतलब यहाँ पर एक पूरे नेशन की डेमोग्राफिकली आपकी पूरी नेशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आपका स्टडी का जो लेवल पहले कुछ और था, अब वो डेमोग्राफिकली उसको गवर्नमेंट लेवल को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो कि आपको देख रहे हैं कि आप लोगों का ट्रेंड हायर एजुकेशन की तरफ बहुत जा रहा है तो आप यूनिवर्सिटीज बनाएं। तो इस तरह की चेंज को नोट करते हुए भी वो जो है ना उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्पोंड कर सकते हो। तो इसके अंदर भी ये बहुत सी एग्जाम्पल्स कोट किए हैं सर ने, कहा था कि इनको जो है देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके पास सोशल एंड कल्चरल चेंज है, सेल्फ एक्सप्लोरेटरी है, मतलब आपको इससे समझ लग रहा है जब आपको कोई सोशल या कल्चरल चेंज आ रही है तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप कोई ना कोई चीज़ मार्केट में लाते हैं। जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि हम यूरोप के अंदर स्पेशली जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हिजाब की तरफ, जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हिजाब की तरफ जो है वो प्रमोट हो रही हैं। तो सर भी अक्सर एक एग्जाम्पल कोट करते होते हैं कि अब वहाँ पर नॉर्मली एक बिजनेस एंटर हो रहा है वो होता है मुस्लिम जो बच्चियां हैं उनके लिए हिजाब का, मतलब अब ये एक सोशल और कल्चरल चेंज आई हिजाब की। तो वहाँ पर लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया कि छोटी बच्चियों के लिए, क्योंकि वहाँ पर मिलता नहीं है, वो इजिली अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए हिजाब का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पर कमा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने एक सोशल और कल्चरल चेंज की देखी और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक चीज़ मार्केट में लाए और वो इसमें हिट है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पेपर में भी कई दफ़ा आया हुआ है तो इसको हम अभी देखते हैं। ये हमारे पास है विंडोज एंड कॉरिडोर्स, तो ज़रा ब्रेक लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है विंडोज एंड कॉरिडोर्स। वो कहता है विंडो इज़ अ टाइम होरिजोन ड्यूरिंग विच अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट बिफोर समथिंग एल्स हैपन्स और एलिमिनेट दैम। बेसिकली विंडो जो है वो बेसिकली आप एक टाइम स्लॉट को कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी जो है वो आती है, स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है और आपने उसी टाइम स्लॉट के अंदर उस अपॉर्चुनिटी को लेकर मार्केट में एंटर होना होता है, ठीक है। अगर आप उससे पहले हो गए, उससे लेट हो गए तो आपके लिए वो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बेसिकली जिस तरह हमने पहले इनक्यूबेशन देखा है सेम वही चीज़ है कि वो यहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है विंडोज़ के अंदर, एक टाइम स्लॉट है, एक टाइम स्पैन है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आया, आपने उसको अपॉर्चुनिटी को देखा, आपको पता लग जाता है कि हाँ वाकई मार्केट में इसकी ज़रूरत है, तो ये वो टाइम स्लॉट है जिसके अंदर आप एक सही टाइम होता है, राइट टाइम, जिसके अंदर आपको मार्केट में एंटर होना चाहिए, ठीक है। वो कहता है कि अगर कोई यूनिक अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है तो वो बहुत ज़्यादा कंपिटिटर्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करना बड़ी ईजिली है तो वो मार्केट बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ये कि आप उससे लेट नहीं कर सकते, जब आप उससे लेट करेंगे तो आपके कंपिटिटर्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो आपके लिए बड़ा जो है वो एक मसला जो है वो खड़ा हो जाएगा। इसके लिए एक वो एग्ज़ाम्पल कोट किया करता है यहाँ पर बाईसाइकिल, सपोज बाईसाइकिलिंग जो है वो एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, जैसे स्टार्ट में अचानक ही बाईसाइकिलिंग जो है वो एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन थी, तो तब सोहराब और कई ऐसी कंपनीज थी, उन्होंने बहुत जल्दी मतलब उन्होंने मार्केट कैप्चर की, तब सोहराब की बहुत ज़्यादा होती थी बाइक्स, तो उन्होंने मार्केट कैप्चर की और बहुत जल्दी उन्होंने बाईसाइकिल्स बनाई और बहुत
जो है वो सेल्स हुई, और अचानक ही फिर बाइक्स का ट्रेंड आया। और जब आप देखते हैं जब बाइक्स का ट्रेंड आया, वो एक विंडो अपॉर्चुनिटी थी जिसमें ख़ासतौर पर पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो एक इकोनॉमिकल रेंज में उसको बाइक चाहिए थी। तब बहुत सी चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो स्टेप इन हुई मार्केट में, और आज हर दूसरे बंदे के पास बाइक है। मतलब वो एक उनके पास एक विंडो अपॉर्चुनिटी थी। और आप देखें कि उन दिनों में जो कंपनीज हिट हुई थी बहुत ज़्यादा उनकी सेल्स हुई। अब उनके कंपिटिटर्स भी बहुत हैं, अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, ये नहीं तो ये ले लो, ठीक है। तो वो एक तब एक विंडो अपॉर्चुनिटी थी जब जो है ना वो उसमें एंटर है। तो यहाँ पर वो कहता है कि आपके पास अगर आप आपके पास एक विंडो जो अपॉर्चुनिटी होती है, अगर एक ये जो टाइम स्पैन होता है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकते हैं या उसको कमर्शलाइज करते हैं, कहता है अगर आप इससे पहले मार्केट में एंटर हो जाए जब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आपके पास कस्टमर अटेंशन नहीं होगी, कस्टमर आएगा नहीं, तो आप नॉर्मली फेल हो जाएंगे। और अगर आप उससे लेट हो जाए तो भाई आपको बहुत ज़्यादा क्राउडेड मार्केट या बहुत बड़ी जो कंपटीटर्स हैं उनकी जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी। सारे इसके लिए मोस्टली एग्जांपल कोड करते हैं, जैसे बीबीए का स्टूडेंट था और फाइनल ईयर में आके उसने डिग्री छोड़ दी और मेन उसने यही बताया कि सर मेरा बिजनेस सेपरेट हो गया, कपड़े का मेरा काम है, तो अगर मैं इस साल ईद के ऊपर अगर मैं मार्केट में एंटर ना हुआ तो, क्योंकि ईद के ऊपर ना सामान जो सप्लाई जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है और सप्लायर्स के पास नॉर्मली जो सप्लाई कम पड़ती है, तो एट दैट टाइम जो है मे बी मेरा भी एक जो है माल जो है वो निकल जाए, और एक दफ़ा माल निकल गया तो मैं मार्केट कैप्चर कर जाऊँगा, तो अगर मैं अब एंटर ना हुआ तो एक साल मेरा जो है वो ज़ाया होगा। तो ये उसकी विंडो अपॉर्चुनिटी थी। तो इसके लिए यहाँ पर एक ना उसने एग्जांपल जो कोट किया, ये जो क्लास में एग्जांपल कोट की वो उन्होंने बताया, यहाँ पर एक एग्जांपल कोट किया कि एक ट्रेंड था जिसमें स्प्रेडशीट जो ये जिस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह, तो इसका अचानक एक ट्रेंडिंग आया, मतलब इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ। तो कहता स्टार्ट के ऊपर एक विसी कैल्क के नाम से एप्पल ने एक अपनी स्प्रेडशीट जो है उसने इंट्रोड्यूस कराई, और उसके बाद एमएस डॉस ने कराई, और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल प्रोग्राम की जो है वो स्प्रेडशीट इंट्रोड्यूस कराई। आज सबसे ज़्यादा स्प्रेडशीट में एक्सेल जो है वो डोमिनेट हुई हुई है, क्योंकि वो एक राइट टाइम था जिसका अंदर जो है वो एंटर हो गया। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको वही बताई है जो सर क्लास में बताते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है वी मस्ट ओनली रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज बट आल्सो टेक, वो कहता है कि जो एंटरप्रेन्योर है ना वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते बल्कि एक राइट टाइम पर वो इस चीज़ का भी एडवांटेज लेते हैं कि वो मार्केट में एंटर हों और उसका जो है वो फ़ायदा उठाएं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉरिडोर प्रिंसिपल। कॉरिडोर प्रिंसिपल की यहाँ पर डेफिनेशन जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब से लिखी हुआ है। कॉरिडोर प्रिंसिपल ये होता है कि देखिए जब आपके पास एक विंडो अपॉर्चुनिटी आई, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, ठीक है, तो उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपके पास कोई स्किल है, ठीक है। यहाँ पर वो ये कहता है, वो कहता है मैं एक उसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। कहता है कॉरिडोर प्रिंसिपल सजेस्ट दैट अपॉर्चुनिटीज इवॉल्व फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स बीइंग पोजिशनड इन द सिमिलर वर्क और हैविंग हैड एक्सपीरियंस विद रिलेटेड वेंचर्स, ठीक है, सो दैट वन विंडो ओपन्स इट is easy to them to move quickly to the new venture। वो कहता है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, कोई काम है, या कोई प्रॉब्लम एरिया है, या कोई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जब विंडो अपॉर्चुनिटी खुलती है, ठीक है, तो आपके पास उससे रिलेटेड एक्सपर्टीज़ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप उससे रिलेटेड कोई काम, मतलब एक स्पेसिफिक रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो विंडो अपॉर्चुनिटी खुलती है, तो उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपर्टीज़ है और उससे रिलेटेड कोई काम जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली वो अपॉर्चुनिटी आप नहीं लेते, ठीक है, आप उससे रिलेटेड आपको लगता है कि इससे रिलेटेड मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ है, मैं इसी से रिलेटेड ये काम कर सकूँ, क्योंकि विंडो अपॉर्चुनिटी का पता है उसमें तो फिर हर किसी ने गाय बगाए एंटर होना है, तो वो ज़्यादा मार्केट कैप्चर हो जानी है। मतलब आप आइडिया वहाँ से लेते हैं, काम को आप थोड़ा सा और करें, इसे कहते हैं कॉरिडोर प्रिंसिपल। इसके लिए उसने एग्जाम्पल दी, कहता है विलियम गेट्स साहब थे जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं, विलियम गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, कहते स्टार्ट के अंदर ना 1980 में इनको आईबीएम ने बुलाया और इनको कहा कि हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, विलियम गेट्स नाम है, हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो विंडो होती है ना जिस तरह, हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, तो आप हमारे लिए काम करो।
तो उस टाइम विलियम गेट्स को ये नज़र आया कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक विंडो अपॉर्चुनिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आगे जाके ज़रूरत होगी। लेकिन उसने फिर उनके साथ काम नहीं किया, उसके पास एक्सपीरियंस था, स्किल्ड था, वो कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, उसने वो एक उसका अपना सॉफ्टवेयर हाउस था जहाँ पर वो हल्की फुल्की हैकिंग करते होते थे, तो उसने अपने साथ कुछ और लोगों को मिलाया। देखो वो स्किल्ड था, वहीं से उसके दिमाग में ये जेन में आ गया, तो उसने फिर उनको मिलाया और उन्होंने जाके एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस जो है वो बना डाला, जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ। और इस तरह एक और बंदे की एग्जांपल है, विल्सन ग्रीबैच, विल्सन ग्रीबैच, ठीक है। वो बंदा जो है ना, वो बेसिकली ये जो आपके पास पेस मेकर है ना, हार्ट पेशेंट्स के लिए एक डिवाइस यूज होते हैं, उसे कहते हैं पेस मेकर। ये यहाँ पर आपको डिवाइस दिखा देता हूँ, पेस मेकर जो है ना, ये बेसिकली एक डिवाइस है जो कि हार्ट के साथ यूज़ की जाती है, और ये कुछ इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है वो छोड़ती है, जिसके जरिए ये हार्ट जो आपका है ना, उसको ये मतलब उसको ये उसको ऊपर एम्फसाइज करते हैं। मतलब आपके अगर किसी पेशेंट के हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम है, तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो लगाई जाती है, जिसके लिए ये हार्ट को मजबूर करती है कि तुमने तो नॉर्मल हार्ट बीट के ऊपर ही जो है चलना है। और नॉर्मली जो है ये इस तरह आप देख सकते हैं कि इस तरह उनकी पेशेंट की बॉडी के अंदर ना ऑपरेट करके उसके अंदर जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। तो इसके ये देखें, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आर्ट के साथ यहाँ पर लगाई हुई है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि जी जो हमारे पास इसका जो इन्वर्टर थे, विल्सन ग्री बैच जो है ना, इसने अपना इसका 41 ईयर्स का इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, या 41 ईयर का, तो इसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसके पास आइडियाज़ है, बहुत से इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स इसके जहन में है, वर्कशॉप्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इसको आइडियाज़ मिले, ठीक है। और हर आइडिया वहाँ से, मतलब वो एक उन दिनों में एक वो विंडो अपॉर्चुनिटी थी इलेक्ट्रिकल कोई गैजेट मार्केट में लाने के लिए, लेकिन वहाँ से इसने फिर एक आइडिया कैप्चर किया, और इसने ये जो हार्ट प्लेस मेकर जो है वो इसने मार्केट में जो है एंटर कर दिया। तो ये कॉरिडोर अपॉर्चुनिटी, मतलब आप विंडो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, आप उससे रेलेवेंट कोई काम जो कि आप कर सकते हैं, जो कि आपके स्किल्ड है उसके लिए, अब वो जो है वो कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं विंडो कॉरिडोर अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद हमारे पास है मिथ्स हैं कुछ जो के इसके इससे रिलेटेड हैं, तो इसको हम देख लेते हैं अभी। उसके बाद हमारे पास कुछ मिथ्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, तो इनमें सबसे पहले मिथ है कि लक इज़ फॉर गैम्बलर, ठीक है। डेफिनेटली हमारे पास जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसके अंदर एक एबिलिटी होती है टू डू कि वो किसी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर सकता है, ठीक है। और किसी अपॉर्चुनिटी का वो, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी का पता लगता है, उसको स्पॉट करके मतलब वो मार्केट कैप्चर करता है। लेकिन एक बात अगर हम कहें ना कि बिजनेस जो है ये लक बेस्ड है, मतलब आपकी लक होती है, बिजनेस चल गया तो चल गया, ठीक है, और बिजनेस ना चला तो ना चला, ये चीज़ गलत है, ठीक है। इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। तो एक्चुअली जो लक है, एक्चुअली ये तो टोटली सिर्फ गैम्बलर्स के लिए, जुआ खेलते हैं उनके लिए है, मतलब टेल आ गया, कॉइन आ गया, ठीक है। मतलब उस उनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल फेयर है, ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी फेयर है, या वो आ सकता है या वो आ सकता है। देखिए यहाँ पर अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं ना, तो भाई आप लक को प्रिडिक्ट बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि टोटली लक पर है, नहीं, आपने उसके लिए कुछ ना कुछ होमवर्क किया हुआ है, ठीक है। आपने उसके लिए कुछ ना कुछ पेशेंस, कुछ ना कुछ आपने उसके लिए एफर्ट, आपके डिटर्मिनेशन और आपकी एक हार्ड वर्क, वो टोटल उस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है, और जिसके ऊपर आप अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं ना, वो चीज़ डेफिनेटली आपको अपना बेस्ट जो इन रिटर्न जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ कहना बिल्कुल गलत है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप लक बेस्ड है, लक बेस्ड नहीं है। तो कुरान में भी है, लैसल इंसान है इल्ला मासा, हर इंसान को वही मिलता है जिसके लिए उसने कोशिश की, और वैसे भी ये भी कहा गया है कि जो जो हमारा गुमान होता है वही चीज़ मिलता है। तो लक जो वाली बात जो है गलत है, उसको कहता है मेक और ब्रेक ऑन द फर्स्ट वेंचर, ठीक है। कहता है नॉर्मली यही कहा जाता है कि
अगर पहला बिजनेस चल गया तो कामयाब है, और अगर पहला बिजनेस ही नहीं चला तो वो एंटरप्रेन्योर जो है वो भी वो मतलब बाद मोस्ट लोग कहते हैं कि यार मैंने काम किया था, कामयाब भी नहीं हुआ उसके बाद मैंने कभी किया ही नहीं, ये गलत है। कहते हैं मोस्टली ऐसा होता है कि आपका फर्स्ट बिजनेस या फर्स्ट आपका जो है वो फेल हो जाता है, उसमें आपके कुछ अपनी हम कह सकते हैं गलतियाँ है कि हम सही विंडो अपॉर्चुनिटी के ऊपर हम मार्केट में नहीं आए, या हमने उसके लिए सही पेपर वर्क नहीं किया, या हमने सही मतलब उसके लिए हमने सही फिजिबिलिटी वगैरह नहीं देखी, तो फिर वो हो सकता है गलत हो, लेकिन उससे आप कुछ सीखते हैं और नेक्स्ट टाइम जो है वो आप एक अच्छी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। तीसरा वह कहता है एंटरप्रेन्योर्स आर मैवरिक्स एंड मिसफिट्स। इसका मतलब यह कहता है जी मोस्टली एक ट्रेंड हो जाता है कि जी एंटरप्रेन्योर्स वो लोग हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, ठीक है, और एक मिथ है कि जी नॉर्मली जिन लोगों को जो लोग बैक बेंचर्स होते हैं, मतलब जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड या इंटेलिजेंट होते हैं उनको जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं, और जो लोग बैक बेंचर्स होते हैं और वो अपना बिजनेस वगैरह मतलब वो उनको कहीं जॉब नहीं मिलती तो वो फिर कुछ इस तरह, ये एक मिथ है टोटली, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एवरेज स्टूडेंट से अबव होते हैं, ठीक है, उसके अलावा उनमें ड्रग अल्कोहलिक और इस तरह का कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये टोटली गलत है ये कहना कि नॉर्मली बैक बेंचर्स और वीक स्टूडेंट्स ही एंटरप्रेन्योर होते हैं, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तो कहता है कि जी इसको मैवरिक्स, ये बेसिकली एक गेम है, मैवरिक्स इसलिए कहा गया कि एंटरप्रेन्योर जो है उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो चेंजेस को और चैलेंजेस को देख को ना वो बहुत जल्दी पिक करते हैं, लेकिन वो मिसफिट नहीं होते, मतलब वो बैक बेंचर इस तरह के जो कमज़ोर स्टूडेंट्स नहीं होते। तीसरी हमारे पास है कि एंटरप्रेन्योर जो है आर एंटरप्रेन्योर बॉर्न और मेड। ये स्टार्ट में फर्स्ट चैप्टर में एक मैंने आपको हमने एक पढ़ा था टॉपिक करेक्टरिस्टिक वाला, तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि एंटरप्रेन्योर जो हैं ये गॉड गिफ्टेड नहीं होते, दे आर नॉट बॉर्न, वो कुछ भी इनहेरिट करके नहीं आते, ये उनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं जो उनके अंदर डेली लाइफ से वो जो सीखते हैं, जिस तरह पेशेंस है, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन, मतलब ये कुछ एबिलिटीज़ हो सकता है, कुछ एबिलिटीज़ जैसे क्रिएटिविटी या कुछ ऐसी चीज़ें एनालिटिकल जो है ये वो उनके अंदर जो है वो बाय बर्थ हो, ठीक है, लेकिन नॉर्मली मोस्टली ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर एबिलिटीज़ जो हैं वो अपने एफर्ट के ज़रिए अपने अंदर ले आता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत होती है, बस उसको हमें एक दफ़ा पॉलिश करने की जो है वो ज़रूरत होती है। तो इससे नेक्स्ट जो टॉपिक ये कुछ और मिथ्स हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बाद ये सक्सेस फैक्टर्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में। तो अब हमारे पास कुछ सक्सेस फैक्टर्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के। वो कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो हैं एक एक्सटेंसिव सर्वे और बहुत से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद जो है जो मेन मेजर फैक्टर्स जो एक एंटरप्रेन्योरशिप के सक्सेस में है उनको यहाँ पर कोट किया, उसमें सबसे टॉप के ऊपर आपके एंटरप्रेन्योरशिप टीम। देखें आप जहाँ पर भी होते हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, जहाँ पर भी आपकी कंपनी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपके साथ लोग कैसे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कहते हैं नॉर्मली जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, जो एंटरप्रेन्योर होता है नॉर्मली वो इन द फॉर्म ऑफ टीम होते हैं, हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल, ठीक है। उसके लिए वो इसलिए क्योंकि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, सम टाइम वो एक बिज़नेस छोटे लेवल पे तो वो कर सकता है, लेकिन अगर एक बड़ा बिजनेस है तो अकेला नहीं करता, मतलब बेशक वो उसको लीड खुद कर रहा है, लेकिन भाई एक टीम तो है ना, मतलब ये तो नहीं कि कल्ला बंदा पूरे का पूरा बिजनेस चला रहा है, नहीं, इस तरह नहीं, उसके साथ वर्कर्स होते हैं, उसके साथ मुख्तलिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मतलब काम करने वाले जो है उसके साथ वो लोग होते हैं, तो उसके साथ मतलब पार्टनर्स होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, एडवाइज़र्स होते हैं, इस तरह के मतलब उसके साथ जो है ना वो लोग होते हैं। तो कहना वो ये चाह रहा है, वो कहता है सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है वो टीम होती है, कि आपके पास जो आपके साथ काम कर रहे हैं लोग वो कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर वो एक चीज़ ये कोड किया, कहता है जी अगर आपके पास टीम अच्छी है
ठीक है, तो आपके पास टीम अच्छी है लेकिन आपके पास इतना अच्छा आइडिया नहीं है, तो फिर भी आपका इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर आपके पास टीम ही नहीं है इतनी अच्छी, आपके पास वर्क फोर्स अच्छी नहीं है लेकिन आपके पास आइडिया अच्छा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई भी जो है ना इन्वेस्ट करने को जो है वो राज नहीं होता। ओवरऑल जब एक टीम होती है उसके ऊपर एक सेंट्रल जो लीडिंग होती है वो एंटरप्रेन्योर खुद होता है, ठीक है, और बेहतर ये होता है कि क्योंकि वो अपनी पूरी टीम को लीड कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, तो सबसे बेहतर ये होता है कि उसके पास जो है वो नॉलेज हो, वो एक वेल एजुकेटेड हो, ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर जो है वो एक्सपीरियंस हो उस जिस काम को कर रहा है, मतलब जो है वो जिस काम जिस 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 फील्ड्स के अंदर वो अपना वो अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह ला रहा है उसका उसके पास नॉलेज हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ स्किल्स हो, मैनेजमेंट की कुछ स्किल्स हो, कुछ उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हो और कन्विंसिंग की स्किल्स हो, मतलब ये कुछ चीज़ें उसके ऊपर एज अ लीडरशिप एबिलिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। नॉर्मली कहता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये 30 की एज में जो हैं ये आते हैं और ज़्यादातर ये ना इन्होंने जॉब का इनको एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद ये अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि एंटरप्रेन्योर की जो टीम है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। टीम अच्छी है तो इन्वेस्टर आता है, टीम अच्छी है तो आपका काम होता है, आपके अंदर कोऑर्डिनेशन रहती है, जब तक कोऑर्डिनेशन आपका काम चलता रहता है। नेक्स्ट आपके पास है वेंचर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ ये कहता है कि नियर ऑल सक्सेसफुल वेंचर्स स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो रैपिडली, कहता है ज़्यादातर होता यही है कि आप छोटे लेवल पर चीज़ को शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, ये नहीं होता कि आप स्टार्ट के ऊपर यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो, ठीक है, और आप उसके बाद आप कहो कि अब मैंने मार्केट कैप्चर करनी, ऐसा नहीं कहता, आप छोटे लेवल से काम शुरू करते हो और उसके साथ सर्विसेज को ऐड करते रहते हो, एट द एंड आपको एक बड़ी चीज़ जो मिल जाती है। हाँ, कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेजर चीज़ें जो है वो भी बनाना शुरू करती है, लेकिन एट द वेरी बिगनिंग जो है वो इस तरह नहीं होता, ठीक है, तो इससे आपका एक पॉजिटिव कैश फ्लो भी रहता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हम पाकिस्तान में लें, पाकिस्तान में अगर ऑर्डिनेंस मतलब असले साजी का काम स्टार्ट हुआ तो वो स्टार्ट से लोकल लेवल की राइफल्स वगैरह से स्टार्ट हुआ, तो आज एक उस लेवल से उन्होंने मतलब एक नई वेंचर पाकिस्तान मिलिट्री के लिए थी कि उन्होंने राइफल्स वगैरह बनानी स्टार्ट की और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इस लेवल पर हैं कि आज टैंक्स और एंटी टैंक्स और यूएवीज वगैरह जो है पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। तो मीन एक वेंचर को उन्होंने छोटे लेवल पर स्टार्ट करा, ऐसा उन्होंने उसको एमर्ज कर लिया, तो ये एक इसकी सक्सेस होती है। और तीसरी आपकी होती है मार्केट और टाइमिंग, तो यहाँ पर बहुत सी पिछली चीज़ें जो है वो दोबारा मिक्सअप हो रही हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वे एक तो वो बड़ा विजनरी, क्लियर उसका विजन होता है, उसको अपने कस्टमर्स का पता होता है, ठीक है, और अपने कस्टमर्स का और उनके एक मार्केट का पता होता है कि जी मैं ये चीज बना रहा हूँ उसकी ये मार्केट है, ये मार्केट बेस है, ठीक है, ये कस्टमर जो है इससे अटैच होंगे और इतने के मेरे पास एक्सपेक्टेड कस्टमर्स होंगे, उसको ओवरऑल उसने एक ना वो उस एक होमवर्क करके आता है कि ये मार्केट है, इसमें एंटर होना, ये चीज़ मुझे जो है इसमें चाहिए। और मेन इसमें वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जैसे कि पीछे हम विंडो अपॉर्चुनिटी देख के आ रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है कि जो चीज़ आप मार्केट में ला रहे हैं आपको ये पता हो कि मार्केट को इसकी डिमांड है, इसकी डिमांड नहीं है वो चीज़ तो डेफिनेटली जो है वो आपकी जो है उसका सत्यानाश होना है, उसके अंदर आपने फेल होना है। तो जिस चीज़ की भाई डिमांड है वो चीज़ आप मार्केट में लाएं और डेफिनेटली आप मार्केट में इन होंगे। और तीसरी चीज़ आपके पास है बिज़नेस आइडियोलॉजी, बिज़नेस आइडियोलॉजी को हम बिज़नेस रूल भी कह सकते हैं, ये बेसिकली सेट ऑफ मतलब सिस्टम ऑफ बिलीव्स होता है, मतलब आप जो पूरा बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप किस आइडियोलॉजी की बेस्ड के ऊपर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल आपके जो एक एंटरप्रेन्योर के सक्सेस के अंदर एक वाइटल रोल जो है ये अप्लाई करता है। जिस तरह सर ने लास्ट डेज में एक एग्जांपल कोट की थी उसकी अलखिदमत फाउंडेशन की, तो अलखिदमत फाउंडेशन को बनाने वाले एक जो है ना उसकी आइडियोलॉजी ये थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को उसने फ्री हैंड दिया है, वो खुद बनाए बताएं कि उन्होंने कितना काम किया है और कितनी एक पे वो डिज़र्व करते हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ खुद बताते हैं कि मैंने इतना काम किया, मैं इतनी पे डिज़र्व करता हूँ। उसका आइडिया ये था कि उसने इस्लाम में पढ़ा था कि मजदूर को पसीने खुश्क होने से पहले उसको उसकी जो है ना पे जो है वो कर दें, तो यही कहता था कि अगर खुदा ना खास्ता मैं कहीं उनको
ان کے حق سے کم نہ پے کر دوں. تو اس لیے انہوں نے اس کو فری ہینڈ دیا, آئیڈیولوجی اس کی تھی, ان کو فری ہینڈ دیا کہ بھائی خود مانگو کتنا آپ کا بنتا ہے. اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب وہ کمپنی جو ہے وہ بہت زیادہ لاسز پہ جا رہی تھی, تو اس کے جو امپلائز تھے انہوں نے اپنی پے لینے سے انکار کر دیا کہ آپ کمپنی کو سنبھالیں, ہم آپ سے پے نہیں لیں گے. مطلب یہ کہ آپ کی بزنس آئیڈیولوجی ہے وہ ایک آنٹرپرنور کو اتنا زیادہ اس نے سکسیزفل جو ہے وہ بنا دیا. اور نارملی وہ اس یہی کہتے ہیں کہ ہم نارملی دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں آ کے فیل ہو جاتی ہے, ہم اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ بیسیکلی یہ اس پروڈکٹ نارملی کہتا ہے پروڈکٹ فیل ہونے کے پیچھے یہ بھی ریزن ہوتی ہے کہ جو کمپنی کی کمٹمنٹس ہوتی ہے کمپنی اپنی کمٹمنٹس نہیں پوری کر پاتی. جیسے آپ تاج کمپنی دیکھا نا جو قرآن مجید پرنٹ کرتی ہے یا کرتی تھی, اب اس کے قرآن مجید بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی بزنس آئیڈیالوجی کے اندر سود اور یہ چیز پہلے نہیں تھی. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ انہوں نے بینک سے لون لیا اور آج حال یہ ہے کہ وہ بالکل ہی سروائیو نہیں کر پا رہے. تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹاپک جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے یہ والا, یہ بھی پیپر پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آپ اسے دیکھ لیں تو, یہ والا انٹرپرنوریل نیٹورک ریلیشن شپ. یہاں پر بیسیکلی ہم ایک آنٹرپرنور کا نیٹورک دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیٹورک میں اس کے کانٹیکٹس میں کون کون ہے. سب سے پہلے اس کے پاس آتا ہے بزنس ریلیشن شپ. دیکھیے بزنس ریلیشن شپس میں وہی لوگ آنے ہیں جن کے ساتھ آپ ڈائریکٹ بزنس کے ساتھ کے اندر آپ ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ کے پاس آپ کے ہول سیلر, آپ کے سپلائرس, آپ کے کانٹریکٹرز جن کو آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں, وہ لوگ کلائنٹس کسٹمرس, ٹھیک ہے, مین یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ آپ کے بزنس کے اندر جو ہیں وہ انٹرڈ ہیں, ٹھیک ہے, یا اس میں ڈفرینٹ سوسائٹیز کی ممبرز, جیسے کہ ہم کمپیوٹر سائنس میں ہیں تو ہمارے پاس ہے سوسائٹی آف آئی ٹی پروفیشنل سپ, تو جو بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام ہے ٹھیک ہے, تو اس میں مطلب پروفیشنل کام ہے اس میں ہم سپ کے جو جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ پالا پڑتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اس کے نیٹورک میں ایک ہے بزنس ریلیشن شپ جس میں یہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا پالا پڑتا ہے جو کہ آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہے. پھر ہے پروفیشنل ریلیشن شپ, مطلب اب بزنس ریلیشن شپ میں بھی پروفیشنل ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ ان پروفیشنل لوگوں سے بھی آپ کا پالا پڑتا ہے جس طرح آپ کے کلائنٹس ہیں, ٹھیک ہے. پروفیشنل کے اندر وہ لوگ بھی کسی نہ کسی بزنس سے ہوں گے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ کے پاس بینکرز ہیں, ٹھیک ہے, سیکیورٹی کے لوگ ہیں, مینیجرز وغیرہ ہیں اس طرح کے, اس کے علاوہ آپ کے پاس انشورنس کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, اور مزید آپ کے پاس بہت سے بروکرز وغیرہ اور اس طرح, مطلب یہاں پر آپ کا جن کے ساتھ ریلیشن شپ, آپ کے ریلیشن شپ پروفیشنل ریلیشن شپ آپ کے ساتھ کون سے ہو سکتے ہیں, ان میں بیسیکلی ڈفرینٹ بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے ساتھ ان ریلیشن شپ ہوتے ہیں. پھر آپ کے پاس ہے آرگنائزیشنل ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, آرگنائزیشنل ریلیشن شپس میں آپ اپنی ایز اے آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں, آپ کے پریویس امپلائرس, ٹھیک ہے, آپ کے امپلائرس یونیورسٹیز, مطلب اس سے پہلے آپ نے کہیں کام کیا ہے تو آپ وہاں سے ان کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ کا یونیورسٹی, کیونکہ دیکھیں ایک آنٹرپرنور کا یہ جو نیٹورک بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ کہتا ہے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ جی آپ کا بہت سی, کیونکہ اپنا ایک کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو گورنمنٹ کی اور بہت زیادہ لوجسٹک سپورٹ چاہیے, تو اس کے لیے آپ کا گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے, اور اس کے علاوہ اسٹیٹ ایجنسیز اور لوکل آپ کی جو سٹی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کا اچھا کنیکشن. پھر کہتا ہے کیونکہ آپ ایک آنٹرپرنور ہیں, آپ نے اپنے کام کو مارکیٹ کرنا, تو آپ کے سوشل ریلیشن شپ بھی ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, تو جیسے کہ وہ کہتا ہے جی آپ کی جو سوسائٹیز وغیرہ ہوتی ہیں لوکل یا اسٹیٹ وغیرہ کی کچھ سوسائٹیز ادھر, یہ سوشل کا مطلب یہ نہیں کہ فیس بک وغیرہ پہ آپ کی بہت زیادہ فین رنگ ہو, نہیں, مطلب آپ کی سوسائٹیز وغیرہ اور اس کے علاوہ جو کچھ کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں جہاں پر مختلف لوگ آتے ہیں, تو سوشلی مطلب ڈفرینٹ کلچر کے لوگ آتے ہیں تو سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکشن وغیرہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور کلب سوسائٹیز اور کمیونٹیز اور اس بارے میں, اور کچھ ادر ریلیشن شپ جیسے کہ آپ کی فیملی ریلیشن شپ ہے, آپ کے فرینڈز ہیں,
और आपके कुछ कल्चर और आपका कुछ रिलीजन, मतलब आपके कुछ अगर आप कुछ बिलीव्स हैं, रिलीजनल बिलीव्स हैं, कल्चरल बिलीव्स हैं या पॉलिटिकल बिलीव्स हैं, तो वो भी आपके क्लोज्ड रिलेशनशिप्स में जो है वो आ सकता है। तो ओवरऑल ये एक रिलेशनशिप का है कि उनके रिलेशनशिप में कौन कौन आ सकता है। तो गुड लक, अब हमारे चैप्टर जहाँ तक कंक्लूड हो चुका है।